श्री सीताराम, ये नाम केवल मुझे नहीं पसंद है, ये नाम शिवजी को भी पसंद है। शिवजी भी बोलते हैं राम 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 राम। शिवजी को राम नाम बहुत पसंद है। और जबलपुर में पिछली बार इसी जगह पे, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, मतलब यहाँ पे तो नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, यहाँ पे बना था अयोध्या का राम मंदिर। और इस बार सेम उसी जगह पे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बन रहा है। अभी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, कितना क्या स्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर देखेंगे तो मेरे आसपास पूरा थर्माकोल थर्माकोल ही बना हुआ है। ये थोड़े बहुत पिलर्स तैयार किए गए हैं, इस तरफ आप देखेंगे तो पूरा थर्माकोल का कटिंग रखा हुआ है, कुछ प्लेन थर्माकोल भी नॉर्मली रखे हुए हैं। ये आप फ्लोर भी देखिएगा, थर्माकोल की कटिंग पूरा भरा पड़ा हुआ है। ये अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये हैं पिलर्स जो कि पूरे थर्माकोल के बनाए गए हैं। ये एक बिल्डिंग में हूँ मैं अभी, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसी में पूरा ये थर्माकोल रखा हुआ है। अभी मैं ये पे सेकंड फ्लोर पे हूँ और सेकंड फ्लोर पूरा भरा पड़ा हुआ है। देखिए ये पूरा चिपका के भी रख दिए हैं, मैं जैसे उठा रहा हूँ तो ये पूरा एक बार में इतना बड़ा ये उठ रहा है। तो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। ये अभी हम सेकंड फ्लोर में हैं, इसके बाद अभी फर्स्ट फ्लोर में भी जाऊंगा। पिछली बार मैं आया था तो आपको दिखाया था, जब ये देखिए शिवलिंग का पिंडी भी बन गया है। और ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये क्या है, ये वॉल में है ना लगेगा, जब अपना एक साइड जब पिलर्स खड़े किए जाएंगे ना, तो पिलर्स के बगल से ये सारा लगेगा, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देगा। और शिव जी की अगर मैं पिंडी भी दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए शिव जी हैं, शेषनाग है शिव जी के पीछे, और ये छोटे 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 बहुत सारे हमारे शिव जी हैं। ये भी शिवलिंग है जो कि अभी ढक के रखे हुए हैं ताकि गंदे ना हो। और ये देखिए शेषनाग के पीछे शिवलिंग है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये भी एक आर्ट है और वाकई में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है ये भी बनाना। काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। ये अभी हम लोग हैं सेकेंड फ्लोर पर, अब यहाँ से मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर में कितना काम हो रहा है। ये हम लोग चल रहे हैं अभी फर्स्ट फ्लोर में, जो कि मेन काम यहीं हो रहा है। फैन वैन है नीचे, है ग्राउंड फ्लोर आप इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर तो नहीं। ये देखिए ऊपर का ये पूरा गुंबद, आप एक प्रकार से बोल सकते हैं ये गुंबद, एक दो तीन, अभी तो गिनती हो जा रही है, बहुत सारे बनने वाले हैं ये अभी। और आपको मैं यहाँ पर भी दिखाऊँ आसपास, तो यही मूर्तिकार जी हैं हमारे, जो मूर्तिकार तो नहीं बोलूँगा, आर्टिस्ट हैं जो जिन्होंने राम मंदिर बनाया था। और यही भैया जी हैं जो अभी काशी विश्वनाथ जी को बना रहे हैं। और ये अपना कुछ तो मॉडल तैयार हुआ है, थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी अपने आप में ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा टास्क कंप्लीट करके देना, और 15 तारीख को ही देना पड़ेगा। और ऐसे में आप देख रहे होंगे तो भले आपको लगेगा कि काम थोड़ा बहुत कम लगेगा, लेकिन पूरा काम ये लोग 15 तारीख तक कर देंगे आसानी से। ये हमारे वॉल के बगल में खड़ा होगा डिज़ाइन, एक प्रकार से ये बनता है। इसी का ये लोग हाथी भी बनाते हैं कटिंग कर करके, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी होगा सारा काम तो मैं आपको दिखाते जाऊंगा धीरे धीरे। ये देखिए पहले इसको ऐसा तैयार किया गया है ना, ये पेन से स्केच किया गया है, देन इसको ऐसा कटिंग किया गया है। काफ़ी घना वर्क है ये भी सच में, बना बना के इसमें काम कर कर के दिमाग ख़राब हो जाता होगा आर्टिस्ट लोगों का, क्योंकि घना वर्क है ना काफ़ी ज़्यादा। अभी देखिए ये पूरा वॉल पे लगेगा ये, है ना बढ़िया। यही है जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अभी इसमें ये लोग जैसे पेन से लिख दिए हैं, इसमें देखिए नीचे में पेन से लिख दिए हैं, अब इसको कटिंग किया जाएगा तो फिर बीच में गड्ढा गड्ढा हो जाएगा। अच्छा लगता है वो कितने थर्माकोल हैं। ये देखिए आर्च बना हुआ है ये पीछे का पूरा बढ़िया, पूरा एक उस साइड का है और ये काफ़ी बड़ा है। पीछे प्लाईवुड है और उसके ऊपर अपना थर्माकोल गार्ड चिपकाए हुए हैं। ये डिज़ाइन बेल बनी हुई है, ये है ये बेल बनी हुई है, और ये देखिए मूर्तिकार तो नहीं बोलूँगा, थर्माकोल लोग क्या बोलेंगे, लोग को कटिंग कर रहे हैं डिज़ाइन बना बना के। पेन से पहले बना दिया गया, उसके बाद उसके नाप का कटिंग हो रहा है। पहले एक कटिंग कर लेते हैं, देन उसी का नाप नाप के पूरा मार्किंग की जाती है। अभी देखिए मैं आपको दिखा दूँ ये नीचे वाला फ्लोर, तो पूरा यहाँ से लेके पूरा ये गेट है, और गेट से पूरा मैं आपको दिखाऊँ तो ये भी फ्लोर पूरा भरा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर बोल लीजिए, इसके ऊपर है फर्स्ट फ्लोर। और अगर आपको अभी टाइम में दिखाऊं तो देख लीजिए, रात के 11:28 हो रहे हैं और अभी तक काम चल रहा है।
रात तक चलते ही रहेगा काम। यहाँ तो खैर स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है थर्माकोल का, लेकिन मेन ये थर्माकोल लगेगा काम। अब डायरेक्ट आपको उस जगह पे चल के बता। तो जी फाइनली हम उस लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ काशी विश्वनाथ जी बनाए जा रहे हैं। पिछली बार यहीं पे अयोध्या का राम मंदिर बना था, और राम मंदिर या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर इसलिए भी बन जाता है क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे मंदिर ही है। आप अगर मैं देखेंगे दिखाऊंगा मैं आपको, तो देखिए यहाँ पे ये उल्टी जगह मैं खड़ा हूँ, मेन फेस आपको उस तरफ से देखने मिलेगा क्योंकि हम लोग अभी आगे से ही आए हैं, तो बाइक्स अपनी यहीं पे पार्क कर दिए हैं। अभी देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है यहाँ पे भी, ताकि क्योंकि आने जाने की कोई संभावना है नहीं यहाँ से। मैं जिस मंदिर की बात कर रहा था, यहाँ पे बहुत प्यारा मंदिर है ये, और इसी मंदिर में पीपल का पेड़ है जिसमें श्री कृष्ण जी का वास रहता है आप अगर देखेंगे तो। और जब ये पेड़ ऊपर गया तो देखिए ये कटिंग करके ही, मतलब ये जो इसका सीलिंग बोलेंगे तो सीलिंग को ही कट कर दिया गया है, करकट इसको बोलते हैं हम, और उसी के ऊपर से अपना पूरा ये पीपल का पेड़ निकल गया है। तो पूजा की जाती है यहाँ पे, तेल भी चढ़ाया गया है और सब दिया जलाते हैं आके भक्त लोग। अंदर में शिव जी हैं और माता पार्वती जी भी हैं, हमारे गणपति जी भी हैं, और मतलब पूरा फैमिली है शिव जी का, है ना, पिंडी भी है, और यहाँ पे बजरंग बली जी भी हैं। तो ये पूरा मंदिर ही है, यहाँ पे आई थिंक शनिदेव जी भी हैं। हाँ, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो शनिदेव जी भी हैं, और इसी मंदिर में देवी जी को बैठाया जाता है, फिर आजा जाता है, देवी जी यहीं पर बैठती हैं। ये पूरा मंदिर खाली ही रहता है, लेकिन मेरे को लगता है इसी दिन के लिए रखते हैं क्या, अभी रिनोवेशन का काम ही चल रहा है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है, कलरिंग का काम चल रहा है इस मंदिर में, और इतनी ही तैयारियां अभी तक हुई हैं। स्टेज काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बनता है, पिछली बार तो बना था तो हम लोग मतलब वहां से ऊपर से आए थे, फिर नीचे उतर के यहां पे आए थे। शायद इसका जो टॉप रहता है भैया, कितनी हाइट जाएगी इसकी? तो जैसे पिछली बार था ऊपर से ऊपर था, फिर उसके नीचे से निकल रहे थे, निकल रहे थे, बार हाइट हमने बढ़ा दी 15 फीट स्टेज कर दिया है ऊपर हाइट। हाँ हाँ, 40 फीट टोटल हाइट रहेगी। वही तो, मतलब ये जो हाइट दिख रही है इसके ऊपर स्टेज रहेगा, पाइप से थोड़ा नीचे रहेगा, ये पाइप है ना नीचे रहेगा, बाकी इसको ये गुंबक वगैरह नहीं, पूरी आगे टोटल हाइट जो है 40 फीट रह रही ऊपर से नीचे। तो मतलब आना जाना कब से घूमने दिया जाएगा भक्तों को? पंचमी को पहले नहीं, पंचमी के पहले, पंचमी तक पूरा रेडी रेडी होगा, छठवीं से घूमना तो चालू है। तो कितने दिन तक? नौवीं तक। कब विसर्जन होंगी देवी जी? गढ़ा देखते हैं, फोटो ले लिया, चल समारोह में जाएगी। अच्छा, ये आप ही पुताई उताई कर रहे हो ना? कितने बजे तक आप लोग काम करते रहेंगे यहाँ पे? रात भर चलता है, और फिर सोओगे कब? सोते कहाँ है भैया, हम लोग ऑफिस चले आते हैं। अरे करण नाम है क्या तुम्हारा? अरे यार तुम कॉलेज में पढ़ते थे, तुमको बोलते थे तुमको, है ना, करण भाई पहचानते नहीं, मायंक के साथ वाले यार। हाँ, इस बार इसको नंदी का रोल मिल रहा है। अच्छा, आप वाकई में? रियली मिल रहा है। ये देखिए आप, ये जो टॉप दिख रहा है ना आपको, लगभग इस हाइट पे बनेगा स्टेज, मतलब दो आदमी नीचे से निकल जाएंगे, इतनी हाइट है इसकी। एक प्रकार से घर की सीलिंग आप बोल सकते हैं, उतनी हाइट पे रहती है। कितना बताया हाइट? 15। तो उससे ऊपर ही है, सीलिंग तो 10 पे ही रहती है ये पूरा। अच्छा हाँ, तो पूरा जाएगा ना नीचे, अभी सब सामान वामान रखा हुआ है, ये कुछ एक गुंबद रखा हुआ है, हर तरफ ये अभी सामान रखे हुए हैं। खैर चलिए, पंचमी तक होगा तब आपको पूरी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, मिलो। अरे कुछ बुक किया क्या SBI कार्ड से? मिलते हैं।